से काश वही तकदीर मिल जाए, जिंदगी के वो सारे हसी पल मिल जाए। बैठे चल आज फिर से क्लास की लास्ट बेंच पर, क्या पता शायद वो पुराने दोस्त मिल जाए। क्या हुआ, इतनी टेंशन में क्यों है? एग्जाम्स आ रहे हैं यार। हाँ तो इस बार भी टॉप करना है। 98% तो लाने ही है, फिर ये शहर के टॉप की कॉलेज में एडमिशन भी हो जाएगा और आगे की पूरी प्लानिंग। बच्चे अच्छे नंबर से पास हो गए थे, सभी बच्चे खुश भी थे, पर रिया बहुत ज्यादा ही अपसेट थी क्योंकि उसे अपने टारगेट जितने मार्क्स नहीं मिले। 98 की जगह 96 मिले। शायद वो अपने टॉप के कॉलेज में नहीं जा पाएगी, शायद उसने जितने गोल सोचे थे वो अचीव नहीं कर पाएगी। यही सब सोच अब उसके दिमाग में डिप्रेशन का रूप ले रही।
बेस्ट नहीं दे पाई। आई नो सबको मुझसे बहुत उम्मीद थी कि मैं 98% लेकर आऊंगी, जैसे सबको चाहिए था ना, वो टॉपर ऑफ द टाउन एंड टॉप की कॉलेज, वो सब मैं अचीव नहीं कर पाई। मुझ में अब सबको फेस करने की हिम्मत नहीं है। धूप में जलते हुए तनखों छाया पेड़ की मिल गई, मीठे बच्चे की हंसी जैसे फुसलाने से फिर खिल गई। कुछ ऐसा ही अब महसूस दिल को हो रहा है, बरसों के पुराने जख्म पे मरहम लगा सा, एक ऐसी चुभन इस लम्हे में ये रब
इस परफॉर्मेंस से हमें एक सीख मिलती है कि हम भले ही असफल हो जाए पर कभी भी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए।